वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई एग्जाम तक में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई सेकंड ईयर के क्वेश्चन पेपर की। यह ट्रेड थ्योरी का जो है क्वेश्चन पेपर है। तो आज के वीडियो में 4 अप्रैल 2021 के फर्स्ट पाली का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो दो पालियों में एग्जाम हो रहे हैं, तो ये फर्स्ट पाली का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने आईटीआई एग्जाम तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन जो है आज के पेपर में पूछे गए थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था, शेडेड पोल मोटर का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है। शेडेड पोल मोटर का यूज जो है कहाँ पर किया जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था हेयर ड्रायर में। हेयर ड्रायर में इसका यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट नंबर का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण मैग्नेटाइजिंग प्रभाव की भरपाई जो है कैसे करें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि करके। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने जो है पिछले कई सारे जो है हमने पेपर अपलोड किए हैं, अगर नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जाकर जरूर देखिए। साथ ही साथ आपको बता दें प्लेलिस्ट सेकंड ईयर की अलग से बनाई गई है, तो वहां पर जाकर आप सारे पेपर को देख सकते हैं। तो यहां पर तीसरा क्वेश्चन था, यदि डीसी संट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है। यदि डीसी संट मोटर की फील्ड वाइंडिंग जो है ओपन सर्किट में हो तो गति जो है क्या है। तो इसकी गति जो है करेक्ट आंसर था इसका गति जो है बहुत तेज गति में चलती है। क्वेश्चन नंबर यहां पर चौथा क्या पूछा गया था, चार नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का यूज किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए जो है किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है ग्राउलर का यूज किया जाता है। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट नंबर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। किसी डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होगा अगर इसे जो है लंबे समय तक बंद रखा जाए, तो करेक्ट आंसर था इसका अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को जो है ये खो देता है। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड नंबर का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छः नंबर का पूछा गया था, अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार के डीसी जनरेटर काम करता है। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में अगर जो है अवशिष्ट चुंबकत्व ना हो उसके अभाव में किस प्रकार के डीसी जनरेटर का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जो है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का यूज जो है किया जाता है। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सातवां क्या पूछा गया था, निम्न विकल्पों में से डीसी आपूर्ति पर कौन सा दीप लैंप जो है काम करता है। तो डीसी आपूर्ति यानी डीसी करंट पर जो है कौन सा लैंप कार्य करता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था प्रतिदीप्त लैंप, जिसे जो है फ्लोरोसेंट लैंप भी कहते हैं। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट नंबर का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर भूमिगत कंड्यूट पाइप वायरिंग को और क्या कहा जाता है। तो कंड्यूट पाइप वायरिंग का जो है दूसरा नाम यहाँ पर पूछा गया था, तो इसका दूसरा नाम होता है डक्ट वायरिंग या फिर छदम वायरिंग भी इसे कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड नंबर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अल्टरनेटर पर क्या अंकित होता है। अल्टरनेटर की रेटिंग जो है किसमें होती है, तो ये केवीए अथवा जो है एमवीए में होता है। तो करेक्ट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड नंबर का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दसवां पूछा गया था, थ्री फेज प्रेरर मोटर के घूर्णन की दिशा को परिवर्तित किए जाने के लिए क्या करना चाहिए। थ्री फेज प्रेरण मोटर के घूर्णन की दिशा को जो है परिवर्तित करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था किन्हीं दो फेजों को जो है आपस में आप क्या करिए बदल दीजिए।
राइट आंसर था ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिक्स, थर्ड नंबर का। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, किस प्रकार का डायोड जो है एक विशेष धारा में वोल्टता को नियंत्रित करता है, किस प्रकार का डायोड जो है धारा में वोल्टेज को नियंत्रित करने का काम करता है, तो ये कौन सा डायोड होता है, जीनर डायोड होता है। जीनर डायोड जो है रिवर्स वायस में काम वायस पर चलता है, तो राइट आंसर इसका था ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड नंबर का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 पूछा गया था, तीन फेज प्रेरण मोटर में प्रति फेज कुंडलियों की संख्या जो है कितनी होती है, थ्री फेज प्रेरण मोटर में जो है यानी इंडक्शन मोटर में प्रति फेज कुंडलियों की संख्या जो है कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर था इसकी कुंडलियों की कुल संख्या बटे जो है फेजों की संख्या के ये बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 पूछा गया था, स्पॉट लाइट का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, स्पॉट लाइट का यूज जो है कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज जो है थिएटर में किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधक सामग्री ई वर्ग के प्रतिरोधन से संबंधित है, तो ई वर्ग के प्रतिरोधन से सामग्री कौन सी है, यहाँ पर चमड़े का पेपर जो है ये होता है, चमड़े का पेपर जो है ई वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, IGBT का जो पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया था, IGBT का जो है पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा गया है, तो IGBT का पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, RCCB का जो है यहाँ पर पूर्ण रूप विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म पूछा गया था, RCCB का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर, इसका जो है पूरा नाम होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टेरेसिस मोटर के नुकसान क्या होता है, हिस्टेरेसिस मोटर का जो है नुकसान क्या होता है, तो हिस्टेरेसिस मोटर कल के भी पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 3 अप्रैल के पेपर में भी हिस्टेरेसिस मोटर के क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर जो है हिस्टेरेसिस मोटर का नुकसान ये होता है, ये कम दक्षता वाली होती है, कम शक्ति गुणांक इसका होता है, कम आघूर्ण होता है, बहुत जो है छोटी होती है, यानी इसका यूज जो है जैसे कि साउंड वगैरह में जो लाउड स्पीकर में होते हैं उसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर का, थ्री फेज प्रेरण मोटर का स्टेटर जो है किससे समान होता है, थ्री फेज प्रेरण मोटर का जो है स्टेटर जो है किसके समान होता है, तो यहाँ पर जो है थ्री फेज अल्टरनेटर के ये समान होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मूविंग आयरन यानी MI प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के लिए किस प्रकार की आपूर्ति का यूज किया जाता है, तो MI टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके लिए जो है AC तथा DC दोनों के लिए आपूर्ति से इसको जो है चलाया जा सकता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड। अगला है, स्व उत्तेजित DC जनित्र में अवशिष्ट चुंबक किस पर उपलब्ध होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्षेत्र कुंडलन पर ये उपलब्ध होता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड नंबर का। तो 20वां क्वेश्चन है, थ्री फेज प्रेरण मोटर का वर्गीकरण जो है किस आधार पर होता है, तो थ्री फेज मोटर का वर्गीकरण जो है किस आधार पर किया जाता है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है रोटर की संरचना के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 नंबर का। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, आज के वीडियो में जो है 40 में से 20 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, और यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट जो है सुबह, आपको जैसा कि पता है सुबह जो है इसका सेकंड पार्ट आता है, तो आप जो है ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपने जो है पिछले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।